उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों और सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बात को लेकर दून अस्पताल की एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि एडवाइजरी जारी होने के बाद अभी तक मंकी पॉक्स का केस हमारे पास नहीं आया। साथ ही उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जिसमें इंसान की त्वचा में पस भरे फफोले बनना शुरू हो जाते हैं जो छूने से और संक्रमित व्यक्ति के खांसने से भी आपस में फैल सकता है। एडवाइजरी जारी की है और अभी तक कोई भी केस हमारे सामने ऐसा नहीं आया है। बाकी हमारे डॉक्टर पूरी तरह अलर्ट हैं। ये भी है कि जैसे वायरल डिजीज इस तरह की है, जैसे कि जो कि आदमी के जो पस, इसमें स्किन में पस टाइप का पड़ने शुरू हो जाता है, फफोले जैसे पड़ने शुरू होते हैं, तो उसके श्राव से या फिर उसके खांसने और छींकने से ये बीमारी मनुष्य में आपस में फैल सकती है, या फिर जहाँ पर बंदर का मांस, कच्चा मांस, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, तो उस तरह के लोगों में इनमें ज्यादा चांस रहेगा। तो ऐसे में भी बोलना चाहूंगा कि सिर्फ एक एडवाइजरी है, इसको हम लोग अपनी अपने स्तर पर पूरी तरह लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। रुड़की के नगर निगम में भाजपा संयुक्त मोर्चा के संयुक्त अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महत्वपूर्ण प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस की गिरफ्त में अगर कोई व्यक्ति है और वह भागता है तो उसकी भी मौत होनी नहीं चाहिए, यह जांच का विषय है। जानकारी यह है कि अगर गो हत्या के विषय को लेकर कांग्रेस, खास तौर पर जो गोमांस का विषय था उसको लेकर कांग्रेस इस प्रकार का हथकंडा अपना है, ये कांग्रेस के तुष्टिकरण का विषय है। ये ठीक है कि पुलिस की गिरफ्त में अगर कोई व्यक्ति तार भागता है तो उसकी भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, जांच का भी सरकार इसको देखेगी। वो संत हैं, संत के भाव से गोहत्या महा पाप है और खास तौर पर देवभूमि और खास गंगा जहाँ जहाँ पर एक स्थान रखती हो, हरिद्वार हरिद्वार स्थान पर, वहाँ पर अगर गो तस्करी हो रही हो, गोमांस के बारे में ऐसे अपराधी घूमते हों, तो एक भाववश हर संत के मुंह से यही बात निकलेगी, चाहे बीजेपी का हो, किसी क्षेत्र का हो, सामाजिक क्षेत्र, हर दल का हो, हम इस प्रकार के अपराधों को स्वीकार नहीं करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राजीव भवन देहरादून में प्रेस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए धस्माना ने कहा कि चुनी हुई सरकार लोक लाज से चलती है, लेकिन राज्य में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हल्द्वानी में दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के ऊपर भी महिला ने आरोप लगाया है। उस चिट्ठी को 5 लाख बेटियों से, बहनों से, माताओं से हस्ताक्षर करा करके उसकी प्रतिलिपि देश के उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इनको भी भेजी जाएगी, गृह मंत्री जी को भी भेजी जाएगी। राज्य में किस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और विशेष तौर पे महिलाएं उसका निशाना बनाई जा रही है, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस का यह आंदोलन अब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड होगा, पूरे राज्य में हम उसको व्यापकता देने जा रहे हैं। इन दिनों गढ़वाल विश्वविद्यालय से संवर्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पंजीकरण की तिथि बढ़ाने के बाद से महाविद्यालयों में खाली सीटें रहने का खतरा भी कम हो गया। इसके चलते डीएवी पीजी कॉलेज में पहली मेरिट की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब कॉलेज में सोमवार से स्नातक पाठ्यक्रमों और नॉन सीयूईटी की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पहली मेरिट से ऑलमोस्ट एडमिशन लगभग पूरे हो चुके हैं, 99% लगभग एडमिशन हमने फर्स्ट मेरिट से कर लिए, तो 2100 के आसपास जो है वो एडमिशन हमारे हो चुके हैं। अब तक टोटल हमारे यहाँ जो सीट्स हैं वो 3815 315 सीट्स हैं, 3815 सीट्स हैं, उसमें से हमने 2100 एडमिशन जो है फर्स्ट उससे जो है स्लॉट से फर्स्ट मेरिट से। अब हमारी सेकंड जो है वेटिंग स्टार्ट हो गई है, बीए बॉयज़, बीए गर्ल्स, बीए बीएससी पीसीएम, बीएससी सीबीजेट, उसमें आप हमारी सेकंड और थर्ड वेटिंग चल रही है। उसमें से दो कैटेगरी के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार हम लोग एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बरसात के मौसम में राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव और सड़कों में जगह जगह गड्ढों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में जमकर नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से अब तक चुनाव नहीं कराए गए, निगम में प्रशासक बैठे और वह विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जगह जगह जलभराव और सड़कों में गड्ढे हैं जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो जुलम की टक्कर में नहीं समारा नारा है, जो जुलम की टक्कर में नहीं समारा नारा है।
नगर निगम पिछले 9 महीने से चुनाव टालने में लगा हुआ है, प्रशासक बिठा रखा है इन्होंने और नगर निगम की इतनी हालत पूरे देहरादून में हो रखी है। आप सबसे पहले ये देख लीजिए क्या हालत हो रखी है ऊपर पूरे देहरादून में, जहां आप देख लें वहां सड़कें और गड्ढे पता नहीं चल रहे। पूरे देहरादून में लाइटों का ये हाल है, पता नहीं चल रहा है कहां लाइट जल रही है कहां नहीं जल रही है। फॉगिंग के नाम पे सब खानापूर्ति कर रहे हैं और चुनाव के मामले में अगर हम आए तो मात परिसीमन कभी इधर का वार्ड इधर जोड़ देना, उधर का वार्ड इधर जोड़ देना, कोई नियम कानून नहीं है। सिर्फ भाजपा के इशारे में किस तरह से उनके जो लोग हैं चुनाव जीते हैं उनका वो प्रयास चल रहा है। पूरा एक तरफा होके भाजपा के इशारे पे गलत तरीके से परिसीमन किया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित राजधानी देहरादून में बीते 2 दिनों से देर शाम शुरू हो रही भारी बारिश का क्या है, इस कदर देखने को मिल रहा है कि जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त होने लगा है। भारी बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। राजधानी देहरादून में देर शाम हुई भारी बारिश के चलते स्थानीय लोगों के आवासीय घरों में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पिछले दिनों भी भारी बारिश के दौरान राजधानी देहरादून में जगह जगह जलभराव देखने को मिला, साथ ही आवासीय घरों में भी पानी घुस आया था जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जो पास्ट 24 आवर्स हमारे खास कर रहे हैं तो इसमें हैवी से वेरी हैवी रेन हमको प्रदेश में मिली है, जिसमें अगर देखें जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देहरादून में रही हैवी से वेरी हैवी रेन और दूसरा जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद जो हैवी रेन है वो पिथौरागढ़ में भी मिला है, इक्का-दुक्का स्टेशन ऐसी चमोली में मिला है और रुद्रप्रयाग में मिला है, उत्तरकाशी में भी है। तो आप ये कह सकते हैं इनर डिस्ट्रिक्स में भी जो हैवी रेन है वो तो इक्का-दुक्का स्टेशन ज़्यादातर जगहों में मिले हैं और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो यहाँ पे पौड़ी या देहरादून तो इसमें भी है ही। तो जो वेरी हैवी रेन है वो आपके देहरादून और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर मिली है। आगे अब देखते हैं तो आज आपकी 2 तारीख है तो 2 तारीख में भी ठीक है थोड़ी हैवी रेन सिक्का दुक्का आपको मिलेंगी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ है या इसी तरह जो है चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है। तो बिल्कुल संभावना है कि इक्का दुक्का जगहों में हैवी रेन यहाँ पे आज भी जो है वो मिलेगी। और वेरी हैवी रेन की बात करते हैं तो उसमें हैवी से वेरी हैवी की बात करें तो उसमें बागेश्वर है और देहरादून को आज भी रखेंगे। तो इस तरह की स्थिति और आप हैवी रेन कह सकते हैं कि जो हमारा टेरी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी संभावना है। तो इस तरह का वो रखा गया, आज कहूँगा कि आज भी जो एक्टिविटी है वो ठीक वो रहेगी, लेकिन उसके बाद कल देख रहे हैं तो कल एक्टिविटी कम हो रही है और फिर आगे जाते हैं आप 4-5 तारीख में तो थोड़ी बढ़ेगी, खासकर कुमाऊं रीजन में। तो वहाँ पे हैवी वेरी हैवी रेन आपको इक्का दुक्का जगह खासकर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है और या चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी हैवी रेन देखने को मिलेंगी।